brought to you by Techno Camon 30 series. देश की पहली बुलेट ट्रेन का सपना अब हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। मुंबई अहमदाबाद के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन का काम तेजी से जारी है। इसी कड़ी में बड़ी खबर आ रही है कि जापान से आई एक इंजीनियरों की टीम भारतीय इंजीनियरों को बुलेट ट्रेन के लिए खास तरह के ट्रैक बिछाने के लिए ट्रेनिंग दे रही है। आपको बता दें, इससे पहले नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने खुद इस बात की जानकारी दी थी कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 100 किलोमीटर वायाडक्ट और 230 किलोमीटर पियर, जो कि जमीन से समुद्र पर बनाए जाने वाले लोहे या लकड़ी का ढांचा होता है, इसका काम पूरा हो चुका है। आसान शब्दों में कहें तो इस प्रोजेक्ट का 100 किलोमीटर लंबा पुल तैयार कर लिया गया है और 230 किलोमीटर से रास्ते पर पिलर तैयार कर लिए गए हैं, और अब जापानी इंजीनियरों की मदद से खास तरह के ट्रैक्स भी बिछाने का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें, रेलवे दिल्ली से अहमदाबाद के रूट पर भी बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश में वंदे भारत स्टाइल की बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं। नई बुलेट ट्रेन इन दोनों शहर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर्स पर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। ईटी को एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि भारतीय रेलवे के मौजूदा रेल नेटवर्क में शामिल सभी ट्रेनों से इस स्वदेशी बुलेट ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी। गौरतलब है, इस समय अहमदाबाद से मुंबई की यात्रा करीब 12 घंटे में पूरी होती है। हालांकि बुलेट ट्रेन आने से यह घटकर मात्र 3 से 3.5 घंटे हो जाएगी। जानकारी के अनुसार, रेलवे ने प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए हवाई सर्वेक्षण कराया है। अहमदाबाद दिल्ली बुलेट ट्रेन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से भी देश भर में 6 नई रेल परियोजनाएं शुरू करने की सरकारी योजना का हिस्सा है। बताया गया है कि ट्रेन के कोच चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री डिजाइन कर रही है। इसमें घरेलू तकनीक और निर्माण को शामिल किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने पिलर का काम और भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ऐसी हाई स्पीड ट्रेनों की डिजाइनिंग को डेवलप किया जा रहा है जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली ट्रेन के लिए खास प्लानिंग पर काम करना चाहता है, क्योंकि देश में पहले से ही वंदे भारत का संचलन हो रहा है जिसकी टॉप स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाती है। बता दें, ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर फ्रेंच जीटीवी और जापानी शिनकाइसेन जैसी हाई स्पीड ट्रेनें 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति पर दौड़ती हैं। अहमदाबाद से मुंबई के बीच बन रही लाइन पर चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए भारत जापानी तकनीक पर निर्भर है। शिनकाइसेन E5 श्रृंखला की बुलेट ट्रेन, जिन्हें भारत इस मार्ग पर तैनात करेगा, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए लगभग 40,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन दे रही है। कुल प्रोजेक्ट की लागत 1.08 लाख करोड़ से अधिक है। वहीं राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड यानी NHSRCL इस काम को पूरा होने की देखरेख कर रहा है। NHRCL ने जनवरी में 300 किलोमीटर का पिलर कार्य पूरा करने और पूरे 508 किलोमीटर के लिए भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप देने की घोषणा की है। भारत में बन रही 250 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से फर्राटा भरने वाली बुलेट ट्रेन को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत की ग्रोथ को बूस्ट दे रहे इन आइडियाज और प्रोजेक्ट को आप कैसे देखते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।